पाकिस्तान से मैं उमर, आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अच्छा यार, कुछ इंस्टा पे मुझे डीएम आए हुए थे कि जी आप मतलब क्यों परेशान नजर आ रहे हैं। आई थिंक मैंने कुछ एक दो कम्युनिटी पे पोस्टर लगाई है, तो लोग पूछ रहे हैं कि यार आप क्यों परेशान हो। तो यार कुछ है मादर चौथ लोग जिनसे मतलब खुशियां नहीं देखी गई मेरी, और मतलब कहते हैं ना छोड़ने वालों को भाना चाहिए होता है बस, तो कुछ है मादर चौथ जिनसे जो है वो मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं देखेंगी। बाकी आप लोग यार दुआ करना और जिंदगी में जो भी मसले परेशानियां चल रहे हैं वो सारे ठीक हो जाएं। लेकिन चलो हम वीडियो के टॉपिक की तरफ आते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होगा वर्ल्ड कप में, आपको पता है कि वो बड़ा हाईली रेटेड मैच होता है। उस मैच पे हर बंदे की नजर होती है, हर पॉडकास्टर की नजर होती है, हर बंदे की नजर होती है कि हमने इस मैच से ही पैसे कमाने हैं। अगर मैं आपको स्टार स्पोर्ट्स की बात करूं, हॉट स्टार की बात करूं, तो भाईजान वो एक एड से कितने पैसे कमाने वाले हैं, मतलब सारा क्या खर्चा होने वाला है, इतना मैं आपको कह सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ अगर एड के पैसे मैं मिलाऊं ना तो हमारे पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। ये मैं बात प्रूफ के साथ बता के जा रहा हूँ, मतलब सिर्फ एड के पैसे मिलाए जाए ना तो पाकिस्तान का सारा कर्जा सिर्फ और सिर्फ एड से उतर सकता है, नॉट कि आपको मैच मूच के पैसे दो, ठीक है ना। अगर मैं आपको बताऊं पाकिस्तान और इंडिया का मैच, आपको पता है पहले 15 अक्टूबर को खेला जाना था और अब मोस्ट प्रोबेबली 14 अक्टूबर को खेला जाना है, क्योंकि नवरात्रि का जो है वो इंडिया में फेस्टिवल है, जिस वजह से बीसीसीआई ने 14 अक्टूबर को जो है ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया गया लेकिन कर देंगे कुछ दिन तक। इस वीक में मोस्ट प्रॉब्लम समझा जा रहा है कि हो जाएगा 14 अक्टूबर को इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो खेला जाएगा। लेकिन इस मैच में जो एक एड आएगा, स्टार स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, स्टार स्पोर्ट्स और हॉट स्टार की बात कर रहा हूँ जो है मैं आपको। देखें स्टार स्पोर्ट्स पे अगर एक एड आता है तो उस एड में जो है वो 10 सेकंड की मतलब 10 सेकंड उसकी ड्यूरेशन होती है। अगर फॉर एग्जांपल ये लोग दो एड चलाते हैं तो उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, 10 और 10 कितनी होगी, 20 सेकंड होगी। और अगर एक एड के आपको मैं इंडियंस बताऊं ना, इंडियंस बताऊं स्टार स्पोर्ट कितने लेगा, वो पता कितने लेगा, 30 लाख इंडियंस लेगा, ठीक है, एक 10 सेकंड के। और अगर 20 सेकंड का भी बात करूं, क्योंकि दो तो एड आते ही आते हैं ना, ओवर के बाद दो एड आते हैं, कितने दूसरे मतलब फिर मिला के एक ओवर के बाद तो दो एड आएंगे उसके, इतने हो गए 60 लाख। और इस 60 लाख को आप पाकिस्तानी 3.5 से मल्टीप्लाई कर लो और आप खुद ही समझ जाओगे कि बात किधर जा रही है, ठीक है। और 50 ओवर पाकिस्तान बैटिंग करेगा, 50 ओवर इंडिया बैटिंग करेगा, इसका मतलब है 100 ओवर, 100 ओवर होंगे, ठीक है। और अंदर विकटें भी गिरेंगी, विकटें भी कम से कम अंदाजा लगा लो 15-20 विकटें गिरी, 15 विकटें तो गिरेंगी गिरेंगी ना। मुझे पता है पाकिस्तान ने ऑल आउट हो जाना है, पाकिस्तान ने आपको पता है कि ऑल आउट हो जाना है, इंडिया मैच जीतेगा लेकिन पाकिस्तान ने साथ ऑल आउट होना है, ठीक है। उस 15 विकटों के पैसे, उसके बाद अगर आपको मैं बताऊं तो 50 पाकिस्तान के ओवर होंगे, 50 इंडिया के ओवर होंगे, आप अंदाजा लगा लो कि ये कितने पैसे बन जाएंगे। अगर मैं आपको इन सब के पैसे बताऊं ना तो आप हक्के बक्के रह जाओगे कि ये हो क्या रहा है। अगर इन सब के पैसे मैं आपको बताऊं तो वो बन रहे हैं 120 करोड़, 120 करोड़ सिर्फ और सिर्फ जो एड चलेंगे ना स्टार स्पोर्ट्स पे, सिर्फ और सिर्फ जो एड चलेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैच में, जो ओवर के बाद एड चलता है या जब विकेट गिरती है या तब जो एड चलता है, उस एड के 120 करोड़ मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ जो वो एड चलने के। आप अंदाजा लगा लो कि वर्ल्ड कप के कितने मैचेस हैं, ये सिर्फ एक मैच का मैंने आपको बताया है, वर्ल्ड कप के कितने मैचेस हैं, उस मैच का अगर सब मैचेस के पैसे में लाओ तो पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है या नहीं उतर सकता, उतर सकता है ना। मैंने क्या बोला कि आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है सिर्फ और सिर्फ अगर इंडिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा है स्टार स्पोर्ट्स अगर अपने पैसे पाकिस्तान को दो तो पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है, ये लोग उतार सकते हैं। लेकिन भाईजान स्टार स्पोर्ट्स का जो आईसीसी आईसीसी के साथ एक मुआहिदा है, जो कि 2020 से उन्होंने आनवर्ट किया हुआ है आईसीसी के साथ मुआहिदा, कि आईसीसी के जितने भी मैचेस होंगे और जो बड़े टूर्नामेंट के मैचेस होते हैं, वर्ल्ड कप का मैच कर लो, अंडर 19 का मैच कर लो, आप जो है वुमेन्स के मैच कर लो, आईसीसी वुमेन्स की बात कर रहा हूँ मैं, उस सब से उन सब के जो है वो ड्यूरेशन इनकी हुई हुई है 2020 से ऑनवर्ड ये चल रही है। और उसके स्टार स्पोर्ट्स आईसीसी को पता है कितने पैसे देगा, 16,000 करोड़, 16,000 करोड़।
ये सारे और सारे जो है वो इन सब के पैसे जो आईसीसी को जो स्टार स्पोर्ट्स देगा वो ये देगा। 2020 से अब कितने आईसीसी के इवेंट हो गए हैं, मतलब आपने 2021 का वर्ल्ड कप खेला है, 2022 का वर्ल्ड कप आपने खेला है, आपने जो है डब्ल्यूटीसी के दो फाइनल खेले हैं, आपने क्या खेला है, आप अभी आप 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, अंदर आपने वुमेन्स के या अंडर 19 के कितने ज्यादा आपने आईसीसी इवेंट्स खेले हैं, तो स्टार स्पोर्ट्स को इसके मतलब बदले में कितना मुनाफा हो रहा है आप अंदाजा लगा लो कि स्टार स्पोर्ट्स एक छोटा सा चैनल इतने पैसे कमा रहा है पाकिस्तान और इंडिया के मैच से या आईसीसी के इवेंट से। सोचो बीसीसीआई कितने पैसे कमा रहा होगा, और ये पीसीबी वाले अपना मतलब अपना कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, बीसीसीआई से, और बीसीसीआई किधर है और पीसीबी किधर है, बात तो फिर वो क्लैरिटी वाली मैं करके जाऊंगा ना भाईजान। वो कहते हैं ना कि ऊपर नीचे वाला काम है, बीसीसीआई वाले आसमान को छू रहे हैं और पीसीबी वाले जमीन को छू रहे हैं, मतलब इंडिया पाकिस्तान के मैं आपको ऐड के पैसे दो तो पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है, इतने ज्यादा पैसे हैं। तो आप साथ बातें कर रहे हो जी कि जी इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, भाईजान आपकी सोच भी नहीं है इस साल बीसीसीआई कितने पैसे छापेगा, ठीक है ना। और वो ये डिजर्व भी करते हैं, वो 500 करोड़ ग्राउंड्स की रेनोवेशन के ऊपर लगा रहे हैं वो लोग, और आपके पिंडी के जो ग्राउंड है ना उसकी छाती कोई नहीं है, बारिश पड़ रही है, शादी वाली कुर्सी पे मैच हो रहे हैं, ठीक है ना। इतना अंदाजा लगा लो आपने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी लग तो रहा है होस्ट करनी है, लेकिन जो हरकतें हैं मुझे लग रहा है कि कोई नहीं होस्ट करनी, ठीक है ना। और अभी होटल ले लो, जो इंडिया पाकिस्तान के मैच होगा जिसमें होटल के रेट्स कर लो या जितने भी बाकी रेट्स कर लो, लोगों ने बड़े बड़े पैसे कमाने हैं इससे, बड़े बड़े पैसे कमाने हैं, और इस सब का फायदा किसको होगा, बीसीसीआई को होगा ना। इंडियन क्रिकेट जो बोर्ड है वो दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड सर इनसे नीचे ही आते हैं, पीसीबी तो बिल्कुल ही नीचे आता है ना, लेकिन इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ये तो ये भी नीचे आते हैं इनसे। अब अंदाजा लगा लो कि 120 करोड़ इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच से स्टार स्पोर्ट्स ने एड से मिलाने हैं, और स्टार स्पोर्ट्स का जो आईसीसी के साथ मुआहिदा हुआ है ना उसमें 1600 करोड़ आईसीसी को देने हैं स्टार स्पोर्ट्स ने सिर्फ। सोचो बीसीसीआई और आईसीसी का क्या मुआहिदा हुआ आपस में, तो मैं बता ही ना सकता। 16000 करोड़ को पाकिस्तानी 3.5 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 साल मैं कहता हूँ पाकिस्तान को कर्जा भी उतर जाएगा, और पाकिस्तान को दोगे ना पैसे तो भाईजान फिर हम कर्जा लेंगे भी नहीं, इतने पैसे हो जाएंगे, ठीक है ना। बात प्रूफ करके गया हूँ या नहीं करके गया, ठीक है। लेकिन वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब को अपना बोला है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देना या जिन्होंने नहीं किया हुआ, और इंस्टा पर फॉलो कर लेना, इंस्टा का लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर देना यार जिन्होंने नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।